दोस्तों हम आपको एक नए आउटलेट में लेके आए हैं जो 7 दिन पहले खुला है। इसका नाम है पनीर शवारमा। थोड़ा बाहर की डिश है, इसे थोड़ा सा कह सकते हैं मॉडर्न तरीके से इसे जो है ये डिश बनाई जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पनीर की जो स्लाइस है, बड़ी बड़ी स्लाइस को काट कर इसके अंदर लगाया गया है और फिर उसमें जो है पीछे से आँच आ रही है, ग्रिल्ड हो रही है और ये पनीर जो है वो ग्रिल्ड हो रहा है और उसके बाद इसे जो है ग्रिल्ड होने के बाद इसे स्लाइस में काटते हैं और फिर उसमें जो है अलग अलग इन्ग्रीडियंट्स डाल के तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी और ककड़ी, ये सब चीज़ों को मिक्स करके तैयार किया जा रहा है। एक प्रकार से ये पनीर रोल ही है लेकिन इसको पनीर जो है वो ग्रिल्ड फॉर्म में है, इसलिए बहुत टेस्टी लगने वाला है। बस आप इंतजार कीजिएगा कि ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। क्या डाल रहे हो उसमें? मेयोनीज़ है। अच्छा, और ये किस में लगा रहे हो आप, क्या चीज़ है ये? ये रोटी है। अच्छा रोटी है, ये पहले से बना कर रखते हैं क्या? हाँ। अच्छा, इसके ऊपर क्या लगाएंगे फिर? पनीर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने रोटी जो पहले से बन के रखती है और उसे हल्का सा जो है ग्रिल में हल्का सेक लिया और उसके बाद उसके बाद जो है ये इसके ऊपर जो ग्रिल्ड हुए पनीर को उसके ऊपर स्टफ कर रहे हैं और इसके बाद ये फिर ये चीज़ है, इस पर चीज़ की एक बहुत प्यारी सी लेयर इसके ऊपर डाल रहे हैं। न्यू है, मेयोनीज कंप्लीट हो गया फिर। आप देख सकते हैं ये बनकर कंप्लीट हो गया है और ये सर्व करने के लिए अब तैयार है। तो ये अब तक नॉन वेज फॉर्म में आता था लेकिन हम आपको जो है ये वेज फॉर्म में टेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यम्मी दिखाई दे रहा है और बस मैं इसे खा के देखता हूँ आपको कि कैसा है, स्वाद कैसा है। बहुत टेस्टी है। इसमें जो है आपको जितने भी इन्होंने इसमें जो है वेजिटेबल्स डाले उन सबका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसके अलावा मायोनीज डाला गया है उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। उसे आप देख सकते हैं जो ग्रिल्ड किया गया था इसे, तो इसके जो है इसमें स्मोक जो है बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है। जैसे हम लोग भट्टी में कोई खाना नहीं पकाते हैं घर में या चूल्हे में खाना पकता है, तो उसी प्रकार का इसमें भी जो है स्मोक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरा ये कि इसके बाहर आप देख सकते हैं जो लेयर है, ये लेयर ही बहुत क्रिस्पी है, इसका भी अपना अलग टेस्ट है वो भी इसमें महसूस हो रहा है। मेरे साथ दुकान के संचालक हैं विनय जी, विनय सिंह जी। विनय जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आप लेके आए हैं नया? सर चिकन में तो ऑलरेडी है, वेज लवर्स के लिए हमने सोचा कि कुछ किया जाए तो वेजिटेबल्स का तो पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आ रही थी, तो पनीर की समझ में आ गई। हाँ हाँ। और पनीर को अगर ढंग से ट्रीट किया जाए तो वो बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। पनीर होता प्लेन है लेकिन उसमें अगर आप प्रॉपरली आप उसको ट्रीट कर दें तो उसका स्वाद बहुत अलग से निकल के आता है।
तो इसीलिए हमने सोचा कि वेज लवर्स को एक ऑप्शन दिया जाए ताकि वो कुछ नया ट्राई कर सके। ये सारबामा का मतलब क्या होता है, ये कहाँ का वर्ड है, ये कहाँ से आया हुआ है? इसी किस्म के फ्रेंच वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ग्रिल, जो चीज ग्रिल हो रही है। ये जो है लगातार ग्रिल होता रहता है, लगातार ग्रिल होता रहता है, जैसे जैसे पकता रहता है, जैसे जैसे कटता रहता है। तो ये कितना टेम्परेचर होगा लगभग इसमें? तो मेंशन हुआ है क्या? सर ऐसा तो कभी हमने ट्राई नहीं किया, बट ये उतना ही रहता है कि एक रिस्पॉन्स है सर। अभी हम स्टार्ट किए टुडे से 7 डे और सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, बट मूविंग फॉरवर्ड आप हैं कहाँ से? रायपुर नहीं बेसिकली, आप बेसिकली रायपुर से। तो आप इसको लेके कहाँ से आए, कहाँ आप सारा ज़्यादा इसका ट्रेड? काफ़ी ट्रेवल के बाद आप ट्रेवल किया? अच्छा अच्छा, घूमता रहता हूँ, लाइट लाइट में ट्राई करता रहता हूँ, बड़ी बढ़िया रेस्टोरेंट, मीडियम साइज स्ट्रीट फूड, तो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। पर्सनली जो चीज़ आपको पसंद है उस काम में आपका मन जरूर लगता है, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो ये विनय जी का यहाँ पर छोटा सा स्टॉल है, आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। बहुत सारी इनके पास वैरायटी भी है अलग अलग रेट्स में, और ये दुकान इसलिए भी थोड़ी अच्छी लग रही है समझने में, देखने में, क्योंकि इन्होंने कुछ नई चीज़ लेके आए हैं। रायपुर में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, लोग खा रहे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ इनोवेशन किया है, कुछ नया बन लेके आए हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये मंजू ममता के जस्ट पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया।